ये डबल एक्सल साइज की कुर्ती बनाएंगे हम। इसके लिए इसका हम लंबाई लिए हैं 40 इंच, 2 इंच नीचे मोड़ देंगे, बचेगा 44 इंच लंबाई। चौड़ाई हम लिए हैं 25 इंच, इसमें दोनों साइड मोड़ना भी है। इसको काट कर अलग कर लेते हैं। शोल्डर हमें 15 इंच लेना है, 15 का आधा 7.5 हुआ। आर्म होल के लिए इसकी लंबाई हम 8 इंच रखेंगे, यहाँ आधा इंच से ज़्यादा ये कटिंग में चला जाएगा। इस तरह यहाँ 3.5 इंच मुड्ढे से बाहर लेंगे, ये चेस्ट के लिए है। ये गला हम लेंगे 3 इंच, यहाँ हम इसकी गहराई करेंगे आधा इंच से थोड़ी सी ज़्यादा, 1 इंच। पीछे के गले का गहराई है। गहराई इसकी ये 1 इंच, इसका शेप बनाएंगे गहराई। थोड़ा सा अधिक लेंगे सिलाई में देने के लिए। और इसकी हाइट हम रखेंगे 23 इंच, सिलाई करेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे सारा यहाँ तक। इसमें से एक पीस निकाल लेंगे ये पीछे का। इसकी लंबाई 24 इंच है, ये 2 इंच मोड़ेंगे, 22 इंच रहेगी। ये चौड़ाई में कम है इसलिए इसमें यहाँ इतना कपड़ा हम लगाएंगे अलग से। ये वाला कपड़ा है। और यहाँ हम 5 इंच गहराई करेंगे मुड्ढे की। सिलकर चाहिए, हमने सिलाई के लिए 7 इंच रखना है। यहाँ से हम इस तरह तिरछा निशान लगा देंगे।
ये आधा इंच के इसमें हम शेप देंगे आगे की। इस तरह इसकी कटिंग कर देंगे सिर्फ दो पीस की जो हमको आगे रखना है, ये नीचे वाली नहीं कटेगी।